आज का लेक्चर लेक्चर नंबर 2 है और आज हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिक्स, फिजिकल क्वांटिटीज, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज एंड डिराइव वर्सेस बेस क्वांटिटीज। सो लेट्स स्टार्ट विद इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स की इम्पोर्टेंस क्या है? फिजिक्स की इम्पोर्टेंस और फिजिक्स का स्कोप इंसान से छुपा हुआ नहीं है। फिजिक्स की इम्पोर्टेंस हर जगह है। कायनात में क्या कुछ होता है, सब कुछ फिजिक्स के इल्म के ताबे है। ठीक है, मिसाल के तौर पे स्मॉलेस्ट सब एटॉमिक पार्टिकल्स के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स की मोशन, न्यूट्रॉन्स की मोशन या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स की अट्रैक्शन, प्रोटॉन्स प्रोटॉन्स की रिपल्जन या न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स की स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर अट्रैक्शन, इस तरह की तमाम चीज़ें जो हैं वो फिजिक्स के ताबे हैं। इसी तरह कैसे किसी चीज़ पर लाइट पड़ती है तो वो शाइन करता है, वो अगेन फिजिक्स के ताबे है। ठीक है, इसी तरह बड़ी बड़ी गैलेक्सी जो है वो किस तरह बनती है, उनकी फॉर्मेशन ऑफ गैलेक्सी जो है, उनका एवोल्यूशन जो है, वो भी फिजिक्स के इल्म के ताबे है। सूरज जमीन सूरज के गिर्द घूमती है, ये भी फिजिक्स के ताबे है। इसके पीछे जो इक्वेशन है वो न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटी है, न्यूटोनियन मैकेनिक्स से सारी की सारी सही है। इसी तरह नेचर में होने वाले सारे प्रॉब्लम्स जो है वो फिजिक्स के लॉज और प्रिंसिपल्स के ताबे हैं। मिसाल के तौर पर न्यूटन्स लॉज हो गए, आर्किमिडीज प्रिंसिपल हो गया। ठीक है, फिजिक्स का इल्म बहुत ज्यादा क्वांटिटेटिव है। ठीक है, बहुत ज्यादा क्वांटिटेटिव है। आप फिजिक्स के इल्म की मदद से आप हर चीज की इंफॉर्मेशन, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन जो कि एक्वायरेबल है, अगर आप हासिल कर सकते हैं तो वो मिल सकती है आपको। सो इन शॉर्ट ये कि फिजिक्स बेसिकली क्या है, इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट। और मेजरमेंट की इंपॉर्टेंस फिर आपको पता है दुनिया में कहां नहीं है। ठीक है, कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंस, सारी की सारी इंजीनियरिंग जो है, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी सारी फिजिक्स पर बेस है। ठीक है, इसी तरह जरा आप आगे बढ़े, मीडिया के अंदर इंफॉर्मेशन मीडिया हो गया, फास्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन के तमाम मीन्स जो है जिसकी वजह से हम दुनिया में एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, ये सारी फिजिक्स की इन्वेंशन है। बेसिकली फिजिक्स के लॉज की मदद से हासिल किए गए। इसी तरह सेटेलाइट कम्युनिकेशन जो है, रेडियो ब्रॉडकास्ट हो गया, तमाम चैनल्स की ब्रॉडकास्टिंग हो गई, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया, प्रिंट मीडिया हो गया, उन प्रिंट मीडिया के अंदर जो प्रिंटिंग मशीन्स हैं वो भी फिजिक्स की ताबे हैं, जिसे हम जीरोग्राफी कहते हैं। इसी तरह कायनात में, दुनिया में मौजूद, आप अगर कहीं पे भी भटक गए हैं, आप स्ट्रैंडेड हैं कहीं पे, किसी जंगल में फंस गए हैं, तो अगर आपके पास GPS है तो आप अपनी लोकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दिस इज बेसिकली GPS, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जो आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी पे बेस है, जो कि फिजिक्स है बेसिकली। सही है, इसी तरह फिजिक्स का इम्पोर्टेंट रोल कहाँ कहाँ है, कहाँ नहीं है इन शॉर्ट। ठीक है, सो फिजिक्स की इन्फो के इल्म को आपने बहुत बिल्कुल भी ओवरलुक करना नहीं है या अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। इवन फिजिक्स की ब्रांचेज है डिफरेंट, फिजिक्स की ब्रांचेज के अंदर आप एप्लीकेशन आपको मिलेंगी, लेकिन मिसाल के तौर पर मैकेनिक्स की एप्लीकेशन है, फिजिक्स की ब्रांच मैकेनिक्स है, जिसकी एप्लीकेशन कार्स है, मोशन मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, सो ट्रांसपोर्टेशन के मीन्स जो है वो डिस्कवर हो, कार इंजन वगैरह जो है वो मैकेनिक्स में आता है। इसी तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, बिजली जो है, बिजली ना होती तो आप लाइफ में, रातों को कभी रोशनी नहीं होती आप लोगों के पास, हमारी लाइफ में लग्जरीज नहीं होती। ठीक है, ऑप्टिक्स की मदद, अगर ऑप्टिक्स नहीं होता तो कैमरा नहीं होता, लेजर्स नहीं होते, ऑप्टिक्स नहीं होता तो बाइनोक्यूलर्स नहीं होते, साउंड का इंफॉर्मेशन, साउंड का इल्म नहीं होता तो माइक्रोफोन नहीं होता, नॉइस नहीं होता। इसी तरह सॉलिड स्टेट फिजिक्स नहीं होती तो ट्रांजिस्टर जो कि हार्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स का, वो नहीं होता, पी एन जंक्शन डायोड्स नहीं होते, प्लाज्मा फिजिक्स नहीं होती तो ट्यूबलाइट्स नहीं होती, नियॉन साइंस नहीं होती, मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक्स नहीं होती तो आप अर्थक्वेक की स्टडीज नहीं कर पाते, अर्थक्वेक से होने के दौरान होने वाला लावा और मैग्मा की डायनेमिक्स नहीं समझ सकते। इसी तरह सूरज से आने वाले खतरनाक सोलर विंड्स जो उनको नहीं समझ सकते अगर स्पेस फिजिक्स नहीं होती, और आप ब्लैक बॉडी रेडिएशन जैसे इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैसे काम करता है, एक्सरे मशीन ईजाद नहीं होती अगर क्वांटम मैकेनिक्स नहीं होता, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स नहीं होती तो हीट इंजन नहीं होते, स्टीम इंजन नहीं होते, कोल इंजन नहीं होते। ठीक है, टर्बो जेट्स नहीं होते, टर्बो इंजन नहीं होते, जहाज के इंजन जो है वो थर्मोडायनेमिक्स के लॉस पे एप्लीकेबल हैं। इसी तरह स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी नहीं होती तो एनर्जी मास में और मास एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होती तो एटॉमिक बॉम्ब नहीं होता, न्यूक्लियर रिएक्टर्स नहीं होते। इसी तरह
आगे बढ़ते हैं, जीपीएस नहीं होता, स्पेशल थ्योरी ऑफ जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी नहीं होती, इसी तरह जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी नहीं होती तो स्टीफन हॉकिंग जो है वो जनरल जो है ब्लैक होल्स को डिस्कवर नहीं करता, थियोरेटिकल प्रोडिक्शन नहीं करता, टाइम ट्रेवलिंग पॉसिबल नहीं होता अगर जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी नहीं होती, अगर एटॉमिक फिजिक्स नहीं होता तो एक्सरे मशीन नहीं होती, एटॉमिक स्पेक्ट्रास नहीं होते और आप चीज़ों की जो कॉम्पोजिशन है उसको फाइंड आउट नहीं कर सकते एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर के बगैर, इलम के बगैर। अगर आपको मैं रॉक का एग्जांपल देता हूँ, मैं कहता हूँ इसमें कौन कौन सा एलिमेंट है तो आप इसकी स्पेक्ट्रोस्कोपी करके बता सकते हैं इसमें कौन सा एलिमेंट किस रिलेटिव अबंडेंस के साथ कॉन्सेंट्रेशन के साथ मौजूद है। मॉलिक्यूलर फिजिक्स नहीं होती तो लेजर्स नहीं होते, रूबी लेजर, हीलियम नियॉन लेजर्स, ठीक है, एल्यूमिनियम के लेजर्स, ठीक है, गैस लेजर्स वगैरह नहीं होते। इसी तरह पार्टिकल फिजिक्स का इलम नहीं होता तो आपके पास साइक्लोट्रॉन्स नहीं होते हैं, पार्टिकल एक्सेलरेटर्स नहीं होते, पेट इमेजिंग नहीं होती, हाइड्रोडायनेमिक्स नहीं होती तो एरोप्लेन नहीं होते। देखिए आप फिजिक्स की ब्रांच है हाइड्रोडायनेमिक्स, इसमें एरोडायनेमिक्स आती है, वो वेदर पैटर्न जो है हम वेदर फोरकास्ट करते हैं हाइड्रोडायनेमिक्स के इलम की मदद से। इसी तरह सुपर कंडक्टिविटी नहीं होती तो मैग्नेटिक ग्रेविटेशन डिवाइसेस नहीं बनते मैग्नेटिक। इसी तरह सुपर फ्लूडिटी नहीं होती तो लिक्विड हीलियम नहीं होता। सो बहुत सारी इंपॉर्टेंस है फिजिक्स की जो आपको मैं इस आधा एक डेढ़ घंटे के लेक्चर में नहीं बता सकता। इवन अगर मैं इस वीडियो को लाइव भी जाके अगर 10 15 20 दिन 25 दिन भी महीना भी बैठ के टॉक देता रहूं तो फिजिक्स की इंपॉर्टेंस खत्म नहीं होगी। इन शॉर्ट पूरी लाइफ आप लगा दें, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। सो लेट्स मूव ऑन टू द फिजिकल क्वांटिटीज। अब फिजिकल क्वांटिटीज क्या है? देखिए अभी हमने कहा था फिजिक्स इज अ साइंस ऑफ मेजरमेंट। सो इंटरेस्टिंग, एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट प्लेस किया था। फिजिक्स एक मेजरमेंट की साइंस है। मेजरमेंट कहते हैं पैमाइश, नापतोल, ठीक है, नापतोल। इस चैप्टर का नाम मेजरमेंट। और फिजिक्स इज all about, if physics is a science of measurement then physics is all about calculating quantities. कौन सी quantities which are measurable, which should be measurable, because physics में आप immeasurable quantity को नहीं quantify कर सकते। So if something is measurable then it must be quantifiable, if something is quantifiable then it is measurable. So इस बिना पे फिजिक्स में सिर्फ और सिर्फ उन्हीं क्वांटिटीज को डील करते हैं जिसे हम मेजर कर सकते हैं फिजिकली। सो इसीलिए फिजिकल क्वांटिटी क्या चीज है? फिजिकल क्वांटिटी इज बेसिकली ऑल दोज क्वांटिटीज विच आर फिजिकली मेजरेबल, जिनको आप नाप सकते हैं। मिसाल के तौर पे लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, डेंसिटी, फोर्स, स्ट्रेस, एनर्जी। सो ये दीज आर ऑल ETC एटसेट्रा। ये तमाम की तमाम फिजिकल क्वांटिटीज है जिसको आप नाप सकते हो। आप मास को केजी में नाप सकते हो, ग्राम्स में नाप सकते हो, टन्स में नाप सकते हो। इसी तरह लेंथ को मीटर में नाप सकते हो, इंचेस में नाप सकते हो, लेंथ को आप यार्ड में नाप सकते हो, लेंथ को आप फुट में नाप सकते हो, इंचेस में, मिलीमीटर्स में नाप सकते हो। इसी तरह टाइम को सेकेंड आवर्स वगैरह में, टाइम, टेम्परेचर को केल्विन सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट, डेंसिटी को केजीज पर मीटर क्यूब में या ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब में, फोर्स को न्यूटन्स में और स्ट्रेस को पास्कल्स में, एनर्जी को जूल्स में वगैरह वगैरह। ये सारे फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ठीक है। सो फिजिक्स इज ऑल अबाउट फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। सो फिजिकल क्वांटिटीज भी आप जैसे फिजिकल क्वांटिटीज भी दो तरह की हैं। नंबर वन बेस क्वांटिटीज एंड नंबर टू इज डिराइव्ड क्वांटिटीज, ठीक है। अब डिराइव्ड क्वांटिटीज और बेस क्वांटिटीज को हम वन बाय वन डील करते हैं। देखें जिस तरह इंग्लिश में अल्फाबेट्स हैं ए बी सी डी ई डी जे जी, इसी तरह, और आपको पता है दुनिया में नेम्स की तादाद कितनी है, ऑब्वियसली अनकाउंटेबल है,
फिजिकली काउंटेबल है बट स्टिल बहुत लार्ज नंबर है जो कि आप नहीं नाप सकते। असद, अरसलान, अहसन जैन, जॉन, ट्रंप, इमरान खान, सब डिफरेंट तरह के वर्ड्स हैं, नाम हैं, ठीक है, कराची, न्यूयॉर्क। सिमिलरली अब ये डिफरेंट तरह के अल्फाबेट्स के कॉम्बिनेशन से नाम बने। अब अल्फाबेट्स की तादाद 26 है इंग्लिश में बट वर्ड्स की तादाद नॉट काउंटेबल है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह फिजिक्स में भी फिजिकल क्वांटिटीज दो तरह की हैं। एक वो हैं जो ऐसी हैं जिन जो किसी से नहीं बनी, ठीक है, अल्फाबेट ए बी सी किसी से नहीं बने। इसी तरह फिजिकल क्वांटिटीज में बेस क्वांटिटीज दोस फिजिकल क्वांटिटीज हैं, दोस फिजिकल क्वांटिटीज विच आर फंडामेंटल इन इटसेल्फ, वो खुद में ही बुनियादी हैं, इन देम सेल्फ या इटसेल्फ, खुद में ही, जो खुद में ही बुनियादी हैं, ठीक है, जो किसी से मिलकर नहीं बने, मींस मिलकर नहीं बने, ठीक। सो लिहाजा ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जो खुद से बननी है, जो किसी और से मिलकर नहीं बनी, जो खुद में बुनियादी है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को बेस क्वांटिटीज कहते हैं। क्या कहते हैं? बेस क्वांटिटीज कहते हैं। अच्छा, सो बेस क्वांटिटीज को हम मजीद डिटेल में डिस्कस करते हैं। दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर फंडामेंटल इन देमसेल्व, ठीक है। सो इनकी क्वांटिटी कितनी है, ये कितने हैं नंबर में, दे आर 7 इन नंबर, मींस देयर आर 7 बेस क्वांटिटीज, ठीक है, 7 बेस क्वांटिटीज हैं। लाइक फर्स्ट वन इज लेंथ, मास, मैस या मास, मैस, टाइम, टेम्परेचर, टेम्परेचर के बाद आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, और 7 इज इलेक्ट्रिक करंट, सही। सो लेंथ जो है वो एक बेस क्वांटिटी है जो किसी से नहीं बनी, इसको नॉर्मली मीटर्स में नापा जाता, ठीक है। इसी तरह मास को नॉर्मली केजी में नापा जाता है, टाइम भी फिजिकल क्वांटिटी बेस क्वांटिटी, इसको नॉर्मली यूजुअली सेकंड में नापा जाता है, टेम्परेचर को यूजुअली केल्विन में नापा जाता है, इसी तरह अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में नापा जाता है जिसका इस्तेमाल केमिस्ट्री में होता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट को कैंडीला में नापा जाता है, कैंडीला सीडी, इसी तरह इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर, पैरेडी एम्पियर जो साइंटिस्ट गुजरन के नाम पे एम्पियर से नापा जाता है। सो ये 7 फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो किसी से नहीं मिलकर बनी, जो खुद में फंडामेंटल, सही है। बिफोर गोइंग टू चलो इलेक्ट्रिक करंट जो है बेसिकली बेस क्वांटिटी क्यों है, व्हाई डिराइव क्यों नहीं है, आफ्टर ऑल इलेक्ट्रिक करंट जो है, मैं आपको बताते चलूं, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो चार्ज डिवाइड बाय टाइम के बराबर है। आपको याद है करंट चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम है, इफ चार्ज इज क्यू डिवाइड बाय टी देन करंट इज सी, बट अब देखा जाए तो टाइम बेस क्वांटिटी है तो करंट कैसे बेस क्वांटिटी होगी, क्योंकि करंट तो बेस नहीं हुआ। बट यहां पर बात यह है कि चार्ज को आप कभी भी डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, सही है। यही वजह है कि जो चीज डायरेक्टली मेजर होती है वो करंट है, दैट इज वाई करंट जो है बेस क्वांटिटी है। एंड सिंस वी डू नॉट नो द ओरिजिन ऑफ चार्ज, सो स्टिल इट इज अ डिलेमा फॉर फिजिसिस्ट। यही वजह है कि
करंट को हम बेस क्वांटिटी मानते हैं, सही है। सो दिस इज ऑल अबाउट बेस क्वांटिटीज। अब हम आते हैं डिराइव क्वांटिटीज, कि जिस तरह अल्फाबेट से, डिफरेंट अल्फाबेट के कॉम्बिनेशन से वर्ड्स और लेटर्स वर्ड्स बनते हैं, इसी तरह डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के कॉम्बिनेशन से डिराइव क्वांटिटीज बनती हैं। क्या बनती हैं? डिराइव क्वांटिटीज। सो व्हाट इज डिराइव क्वांटिटीज? ऑल दोज फिजिकल क्वांटिटीज which have been derived from different combination of base quantities is called derived quantities. सही है। सो वो तमाम क्वांटिटीज जो बेस क्वांटिटीज के डिफरेंट कॉम्बिनेशन से बनी है उनको डिराइव क्वांटिटीज कहते हैं। लाइक लेट्स से वॉल्यूम, वॉल्यूम इज लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, लेट्स से फॉर अ क्यूब, लेट्स से फॉर अ रेक्टेंगुलर, लेट्स से फॉर अ थ्री डायमेंशनल रेक्टेंगुलर क्यूब, ठीक है। सो अब आप देख सकते हैं लेंथ इज बेस, विड्थ इज अगेन जाके विड्थ है ना, विड्थ भी बेस ही है ना, बेस क्वांटिटी है, और हाइट भी तो एट द एंड लेंथ ही है तो बेस है। सो आप देख सकते हैं वॉल्यूम थ्री बेस क्वांटिटीज से बना है, बेस क्वांटिटीज से बना थ्री, दैट इज व्हाई वॉल्यूम इज डिराइव क्वांटिटी, सही है। वॉल्यूम क्या होगी? डिराइव क्वांटिटी होगी। इसी तरह एरिया क्या होता है? एरिया लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, डिराइव क्वांटिटी, ठीक है। सो डिराइव क्वांटिटी। इसी तरह वेलोसिटी जो है डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम के बराबर है। सो वेलोसिटी में डिस्टेंस क्या है? डेंड लेंथ है, और टाइम इज अगेन टाइम। सो डिफरेंट बेस, दो तरह की बेस क्वांटिटी से मिलके वेलोसिटी वजूद में आई है। सो वेलोसिटी इज डिराइव्ड, वेलोसिटी इज डिराइव क्वांटिटी, सही है। इसी तरह आप मैं लेके आता हूं डेंसिटी, कसाफत, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास बेस बट वॉल्यूम इज डिराइव। सो बेस डिवाइड बाय डिराइव इज अगेन डिराइव्ड, सो डेंसिटी इज डिराइव क्वांटिटी। सो दिस वाज अ क्विक रिव्यू अबाउट फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। मैं तेज इसलिए किया क्योंकि मैं एग्जांपल्स देता रहूंगा तो ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अप टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।